हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। वेलकम। थैंक यू सर। दिस पर्टिकुलर सेशन फॉर ऑल ऑफ यू फॉर अवर इंक्वायरीज, दोज हु आर हैविंग देयर ओन क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंटरव्यू ऑफ केवीएस एनवीएस। तो यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन है अपने रिलेटेड लाइफ से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट एंड टुडे सेशन इज टोटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू एंड इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू लॉट मेनी टिप्स आल्सो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू व्हाट यू हैव टू डू। बट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, यू कैन कम फ्रंट एंड यू कैन टॉक टू अस डेफिनेटली। बट दिस इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड एक्सरसाइज, सो प्लीज बी फास्ट एंड कम एज अर्ली एज पॉसिबल सो यू कैन एंजॉय बेटर एंड लर्न मोर थिंग्स अबाउट इट। So, welcome, welcome all of you. Here I have seen Ravinder, Raju, iPad नाम से एक कैंडिडेट है। चलो वेलकम है मेरा आप सबको। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे लाइव क्लास के अंदर हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो यदि आपके पास भी कोई इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको लगता है सर ये क्वेश्चन डेफिनेटली हेल्प करेगा इंटरव्यू में, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो एंड आई सजेस्ट यू शुड हैव कम फ्रंट एंड टॉक टू अस, यू आर वेलकम। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड regarding an interview, because you have to go for NVS, KVS and your communication skill should be as much you can. आपका communication skill अच्छा होना चाहिए और आपके life से related अगर आपको कोई question लगता है या interview से related लगता है तो बिल्कुल I am ready to help you out. So I suggest you that you should have lot many questions from us. और interview एक ऐसा part है जिसमें आपके पास बहुत सारे questions होने भी चाहिए कि सर ये इसमें मुझे क्या कहना चाहिए, इसमें मुझे क्या कहना चाहिए। So बिल्कुल आपके पास तो मेरे पास बहुत अच्छे आंसर है आपके लिए। तो यू ऑल सर ऑफलाइन क्लास कब से? सर ऑफलाइन क्लास कब से? ऑफलाइन क्लास कब? मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको मना करूंगा। यहाँ आप अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लो बेटा, क्योंकि पता है क्या है, यहाँ पर अपना मोटो ये नहीं है कि आपको कोर्स के बारे में बताना या आपको ज्वाइन करवाना। यहाँ पर ये है कि जो बच्चे अपने को नहीं ज्वाइन कर सकते ना, उनको भी थोड़ी सी हेल्प कर देना, उनके क्वेश्चंस में हेल्प करना। सिद्धि, हाउ आर यू सिद्धिका? जी सर। तो सिद्धिका, टुडे आवर फ्यू ऑफ आवर स्टूडेंट्स वाज हैविंग देयर फाइनल डे, सो वी हैव एंजॉयड अ लॉट। आज हमने बहुत एंजॉय किया और आज हम उन्हें ऑर्फेनेज होम, ओल्ड एज होम और अंधविद्यालय वगैरह बहुत नई नई जगह लेकर गए थे घुमाने के लिए, तो उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया था आज के दिन। यस रेहान, राजू और एनी ऑफ द पर्सन हैविंग देयर क्वेश्चंस, मनीता शर्मा, आपके पास भी कोई इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। I will definitely help you out regarding your interview. Rehan, आपके पास भी कोई question है मैडम तो you are welcome. Any question from any side. Sudhika, आप भी कोई question put up करना चाहे तो बिल्कुल. I'm ready. Yes sir, yes sir. Yes Manita. शर्मा जी कोई question, मीनाक्षी जी. नमस्ते सर. नमस्ते जी, कौन से इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप? सर केवीएस पीआरटी के लिए। एक्चुअली हमें ये पूछना था कि आफ्टर रिजल्ट हम ज्वाइन करें या अभी से कर लें, क्योंकि हमें डाउट है पता नहीं कितना मेरिट जाएगा या क्या, तो इसलिए। मेरी ये राय रहेगी कि हमारी क्लास के अंदर हम लोग एडवर्टाइजमेंट की जगह मैं आपकी हेल्प करूं तो सिर्फ एक लाइन में आंसर दूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा आप इंटरव्यू से रिलेटेड मुझसे बातें करो, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को कोर्स बताने आऊंगा तो ऐसा लगेगा इस वीडियो का बेनिफिट नहीं मिलेगा आप लोगों को, सिर्फ मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट कर जाऊंगा। बस ये कहूंगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, मार्क्स अच्छे लग रहे हैं तो जितना जल्दी ज्वाइन करो उतनी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस मिल जाती है, तो बेनिफिट मिलता है बस। उसके अलावा मेरा आज का जो सेशन है उसमें मैं ये कहूंगा आपको कि आप इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करो ताकि हमें अपनी क्लास का बेनिफिट मिल पाए। राजू कुमार, आप भी कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछो बेटा और हम डेफिनेटली आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। और संचिता, आपके पास कोई क्वेश्चन हो, मनीता कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप इंटरव्यू से रिलेटेड पूछ सकते हैं, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। हाँ जी पूछिए। Yes, sir. Sir, I am Sanjita. Yes, Sanjita. Am I audible, sir? Yes, you are audible to me. Please ask sir, your question. Sir, मेरे पास एक question है sir. मेरा 29th को PGT Maths NVS interview है. PGT Maths? मतलब PGT Maths. हाँ, वही मैं देख रहा था. क्योंकि हमारी स्टूडेंट आज ही एक कोर्स कर रही है वो PGT Maths का, तो वो हरियाणा से, सोनीपत से. संचिता अपना कैमरा ऑन कर लो, हमसे आराम से बात करो बेफिक्र होकर, ठीक है? रियान, आपके वहाँ लाइटनिंग कम आ रही है बहुत ज्यादा, आप एक बार लाइटनिंग ऑफलाइन क्लास संचिता आप अपना क्वेश्चन पुट अप करो प्लीज।
सर ऑफलाइन मेरा क्लास कब से क्वेश्चन स्टार्ट ये करूं? कि सर मेरा बेटा राजू यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मत करो यार, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा तो ऐसा लगेगा यार एडवर्टाइजमेंट करने आए हैं सर आपको, यही तो मैं बता रहा हूँ। आप लोग है ना इस क्लास के अंदर मुझसे ना इंटरव्यू रिलेटेड बातें पूछो ताकि मैं आपकी हेल्प ओके कर सर, पाऊँ, वो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना यार, क्या ओके बड़ी बात है। क्यों आपका अपना जो मोटो है ना आज की सर, क्लास का पूरा फ्रूटफुल होना चाहिए यार, बस और कुछ नहीं। हाँ जी संचिता क्वेश्चन पुट अप करिए। हाँ सर, मेरा पीजीटी मैथ्स का इंटरव्यू है, तो सर मैंने पीजीटी मैथ्स का भी इंटरव्यू दिया था, तो सर मैं वहाँ गई थी, वहाँ पे मतलब इंग्लिश में ही इंटरव्यू होना था, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो सर उसके लिए क्या करें सर? क्या चीज हुई थी मुझे एक बार बताएंगे, क्या चीज प्रॉब्लमेटिक हुई थी वहां, कुछ वॉइस है? मतलब सर मतलब मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश उतना फ्लुएंट नहीं है मेरा, तो सर एक्चुअली वहाँ पे मैथमेटिक्स फ्लुएंट हो, मैं फिजिक्स इंग्लिश हो, में ही। केमिस्ट्री हो, उन लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश में अपने आप को फ्लुएंट करना ही चाहिए संचिता। मतलब आप ये मानकर चलिए कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट है या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो आपका थोड़ा सा लेवल, आपका जो इंटरव्यू होता है ना उसका स्टैंडर्ड है थोड़ा, एंड दे वांट कि वर्ड्स आपके कम्युनिकेट हाँ तो करें आप सर इंग्लिश उसके में। लिए कैसे एटलीस्ट डील करें? मैडम उसकी प्रैक्टिस करो ना, आप क्यों नहीं करते आप लोग प्रैक्टिस उसकी? आप को यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करिए इंटरव्यू की बार बार, मॉक सेशंस दीजिए बार बार, डेमोज दीजिए, और इतने दो दो इंटरव्यू क्लियर किए आप अभी तक कहाँ हो मुझे ये नहीं समझ में आया। आप कहीं भी तैयारी करो मगर आपका तैयारी का स्टैंडर्ड बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि पीजीटी लेवल के आप खुद समझिए, तो आपका 11th 12th का जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो तो स्कोरिंग होना चाहिए। एक इंटरव्यू के अंदर आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि आपके पास हर कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं और हम आपको कोई भी एरिया में भेज सकते हैं इंडिया के, तो वहां सर्वाइव कैसे करोगे हिंदी के साथ में? तो आपका जो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इस तरीके से बनाओ ना कि लगे कि हाँ यार ये कैंडिडेट वर्सेटाइल है और इंडिया के किसी भी कॉर्नर में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, ऐसा बनना है अपने, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आपके पास अच्छा टाइम है, खूब टाइम है आपके पास, अभी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। मनीता शर्मा, रिहान, इवन मेरी स्टूडेंट सिद्धिका, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो बिल्कुल जी सिद्धिका सर, वेलकम हो। जी सर, एक्चुअली हमारा मुझे क्वेश्चन, पूछना था। हाँ मनीता पूछो। सर इंग्लिश मैंडेटरी है फॉर केवीएस पीआरटी नहीं के लिए? मैडम मंडेटरी नहीं होती, एक्चुअली क्या होता है मैडम आप खुद देखिए कि मान लीजिए आप किसी को जॉब पे रख रहे हैं और आपको, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं जम्मू से हूँ। आप जम्मू से हैं, अगर आपको किसी को जम्मू में बुलाना है तो ऑब्वियस है वो हिंदी या पंजाबी बोलेगा तो भी वो सरवाइव कर जाएगा, मगर मान जी जी लीजिए किसी को आपको जॉब देनी है, वो जॉब आपको किसी को आंध्र प्रदेश में देनी है मान लीजिए, और वहां के लोगों को हिंदी तो आएगी नहीं, तो आप जी सरवाइव कैसे करोगे वहां पर? तो इंटरव्यूअर क्या होता है हर एंगल से आपको चेक करेगा, समझ रहे हो भाई? उसका मोटो ये नहीं है कि ये देखना कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती, उसका मोटो ये नहीं है, अच्छा मगर हमें ये शो करना है कि हम बाइलिंगुअल बहुत कंफर्टेबल है, यानी कि आपको अपनी जो ठीक है प्रैक्टिस है ना वो इस तरीके से करनी सर, चाहिए कि अब मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ मनीता, एम आई एग्री? जी सर, आप, मैं हिंदी बात कर रहा हूँ यस मगर आप देख रहे हो कि मैं मैक्सिमम वर्ड्स इंग्लिश के यूज कर रहा हूँ आपके साथ, तो वही आपको इंटरव्यू में करना है। अगर आप बाइलिंगुअल रहोगे ना और कुछ चीजें जैसे अपना इंट्रोडक्शन या एक डेमो वगैरह अगर ऐसे ना आप कुछ फ्लुएंसी में नहीं आती है, ऐसे तो थोड़ा बहुत जैसे वो बोल वर्ड्स लेते आप और समझ कन्वे करेंगे लेते और थोड़ी फ्लुएंस अपने आप को बना लेंगे, आपके लोगों पर टाइम है अभी, आप क्यों चिंता करते हो? आप लोग अच्छा टाइम है, यू हैव गुड ओके टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम इंटरव्यू, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ओके आपको बेनिफिट 100% मिलेगा, श्योर है इस चीज का, और मैं आपको सर, गारंटी से कहता हूँ कि ओके मैंने खुद ने नोटिस किया है, जो मेरे स्टूडेंट है अगर कोई स्टूडेंट जाता है इंटरव्यू देने जिसकी इंग्लिश अच्छी जी है, उसको ना जी सर, इंटरव्यूअर कंफर्टेबल जोन में रहता है वो इंटरव्यूअर के साथ, श्योर होता है ये, जी सर, इंटरव्यूअर का जी सर, स्टैंडर्ड अच्छा है और वो ऑब्वियस है कि ऑल इंडिया लेवल पर आपको चेक करेगा, वो आपको एक पंजाब या आपको जम्मू लेवल पर चेक नहीं करेगा, क्योंकि नहीं आपको करेगा नौकरी जी जम्मू सर, नहीं मिलने वाली, आपको जम्मू के यस सर, अलावा कोई भी स्टेट मिल सकता है, तो हमारे पास वर्ल्ड की जी सेकंड सर, लैंग्वेज इंग्लिश है। तो मेरी ये ओके राय ओके रहेगी सर, आप लोगों की, आप अपनी कमांड मेंटेन करिए, एटलीस्ट आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है या जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करो ज्यादा अच्छा। और सर एक बात और थी कि हमें जो एनसीईआरटी 1 to 5 के लिए सारी पढ़नी पड़ेंगी, मतलब अगर आप ईवीएस पीआरटी मैथ्स। में है तो आपको एक एक सब्जेक्ट एक एक चीजें काफी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखो जिसको पीआरटी का नॉलेज ही नहीं या पीआरटी की क्लासेस के बारे में मालूम, सब्जेक्ट के बारे में मालूम, वो पीआरटी में कैसे सरवाइव करेगा? तो सब्जेक्ट रिलेटेड मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने आप को अव्वल रखिए, क्योंकि आपका जो डेमो होता है ना वो बहुत मैटर करता है, तो आपको डेमो बहुत स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर, आई कॉन्टेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका जो बात जी करने का सर, जो प्रेजेंट करने का होना चाहिए ना वे, वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, और वो तब होएगा मीनाक्षी जब आप सब्जेक्ट पे कमांड होगा, क्योंकि देखो अगर अपने सब्जेक्ट ही याद करके बोल रहे हैं
तो अपने बच्चों पे इम्प्रेशन अच्छा नहीं डाल पाएंगे, पढ़ा लेंगे मगर इम्प्रेशन अच्छा नहीं डलेगा। तो मेरी राय रहेगी आप तो सर ऐसे रीड करने है कि उसको मतलब अच्छे से लर्न नहीं कर लेना पोएम्स वगैरह को, या अच्छे से ईवीएस को हो गया, मतलब प्रैक्टिस में लेकर आओ, क्योंकि लर्न करा हुआ चीज भूल सकते हैं मगर प्रैक्टिस करी हुई चीज हम भूलेंगे नहीं कभी भी। तो आप प्रैक्टिस में लेकर आओ उसको, वो ज्यादा अच्छा रहता है, मेरी ये राय। बाकी आपके क्वेश्चनिंग अच्छे है मनीता, रियल में बहुत अच्छा लगा मुझे। रेहान, राजू और संचिता, इवन मेरी स्टूडेंट सिद्धिका, आप भी कुछ पूछना चाहो तो पूछो, नो प्रॉब्लम। कल अपनी स्टूडेंट का इंटरव्यू, रिटन एग्जाम दे रही है केवीएस का शायद। सर ये हमारा क्वेश्चन है कि सर जैसे कि अगर एनवीएस में वो क्वेश्चन पूछते हैं कि वीक स्टूडेंट है कि उसको आप कैसे ट्रीट करोगी, तो नॉर्मली तो हम बता देते हैं कि हाँ सेटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, हम होशियार बच्चों के बीच में बैठा देंगे और ऐसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे जिसकी इजिली वो आंसर दे सके। वैसे तो उसका आंसर मैंने आपको भेजा है, मगर मैं आपको ये कहूंगा कि अल्टरनेटिव्स देने चाहिए उसको, मैक्सिमम अल्टरनेटिव्स देने चाहिए, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम अल्टरनेटिव्स देते हो तो आपका नॉलेज लेवल शो होता है और आपका जो बोलने का जो अंदाज है वो उसको भी नोटिस करते हैं, आपके पॉइंट्स को भी नोटिस करते हैं, और आपके पास जो अल्टरनेटिव्स है, मैक्सिमम अल्टरनेटिव्स है, तो उन चीजों को वो लाइक भी करते हैं। सो एक्सप्लेन वेल कि एक्चुअली अगर वो कहते हैं कि तब भी वो हैंडल ना हो पाए बच्चा तो फिर क्या करेंगी। तो फिर देखो आप एक टीचर हो, मेरी बात सुनिए, मान लीजिए आपने चार अल्टरनेटिव उसको दिए और वो आपको बोलता है कि मैडम ये चारों अल्टरनेटिव हम ऑलरेडी लगा चुके हैं मगर बच्चा हैंडल नहीं हो रहा है, यही क्वेश्चन है ना आपका, तो आपके पास अल्टरनेटिव की भरमार होनी चाहिए, यानी कि वो पॉसिबिलिटी होती है जब हमारा विट स्ट्रांग होता है। विट स्ट्रांग कब होता है? जब हम बार बार इंटरव्यू देते रहते हैं, लोगों को प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो मॉक सेशन देने का यही बेनिफिट होता है। जैसे आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस के अंदर बातें करती हो सबके साथ, तो वो आपको कोई और बात पूछता है, फिर बात के अंदर बात पूछता है, तो हम क्या है बात करते करते लोगों के साथ डिस्कस करते करते ना इंटेलिजेंट बन जाते हैं, वो इंटेलिजेंस ही वहां काम आएगी, क्योंकि इंटरव्यू क्या है सच में है ना, आप सही कह रही हो कि वो आपको इस बात कोई भी बात पे खींच सकता है कि मैडम ये ऐसे हो गया, तो मान लो मैडम आपने सब कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, तो भी आपके पास और पॉइंट्स होने चाहिए बताने के लिए। अल्टरनेटिव्स का कोई एंड नहीं होता, ऑल्टरनेटिव अपने आप में 2,000, 5,000, 10,000 भी होते हैं, जिसमें से अगर आप 2-4 भी बता दोगे तो बहुत होता है, मगर ऑल्टरनेटिव बताने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए। अगर ये हम कहेंगे सर हम इसको एक्स्ट्रा क्लास देके समझाएंगे तो क्या गलत हो जाएगा? मैडम गलत नहीं होगा, ये एक ऑल्टरनेटिव है, आप समझ लो मेरी बात का, यानी कि अगर आप उसने आपने उसको बोर्ड पे बुलाकर प्रैक्टिस करवा रहे हो, या आप उसको क्लास में रीड करवा रहे हो, या आप उसको दो इंटेलिजेंट्स के बीच में बिठा रहे हो, या उसको अपने नियर बाई उठाकर आप उसको थोड़ा सा समझा रहे हो साथ साथ में, ये ऑल्टरनेटिव्स कहलाते हैं, मगर ये 100% आंसर नहीं है। दुनिया में ये होते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, एक्चुअली इनको बोलते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के लिए हम फिक्स पैटर्न नहीं रख सकते कि इसका आंसर ये है, क्योंकि बहुत से लोग क्या है एक आंसर लिखवा देते हैं कि मैडम ऐसा हो तो ऐसा कह देना, ऐसा हो तो ऐसा कह देना। आपको पता है इनको बोलते हैं विटफुल हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, इनका कोई एंड ही नहीं है। आप मुझे 10 क्वेश्चन दो, मैं आपको 10,000 क्वेश्चन दे देता हूँ ऐसे, 10,000 कि मैडम ये हो जाए तो, बच्चा गिर जाए तो, बच्चे चोट लग जाए, बच्चे ने चौक फेंक दिया, बच्चे ने कोई अब्यूजिंग वर्ड बोल दिया, बच्चे ने कोई बच्चे को पीट दिया, बच्चे की चोट लग गई, इतने क्वेश्चन है कि आप विटफुल क्वेश्चंस का कोई अंदाज ही नहीं है, मगर आपकी प्रैक्टिस आपको स्ट्रांग बनाती है। तो आप राइट मेंटरशिप के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, और मैं देख रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी जा रही है, ओवरऑल आज आपने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट किया था, तो आपका पार्टिसिपेशन अच्छा है, अब एक्टिव रहती हो आप क्लास में, ये अच्छा है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लास वगैरह के द्वारा, प्रैक्टिस सेशंस के द्वारा धीरे 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 अपडेट हो जाओगी, इंटरव्यूज वगैरह देते रहोगी तो ऑब्वियस है बढ़ जाओगी, नो प्रॉब्लम। और लोग है ना लोगों से ही सीखते हैं एक्चुअली सिद्धिका, क्यों क्या होता है अपने को लगता है यार अपने ना अपने आप से डेवलप हो सकते हैं, ये नहीं होता, जब आप नए लोगों से मिलते हो तभी आपको अपना लेवल पता लगता है कि यार मेरा लेवल ये है, समझ रहे हो? तो आपको जब इंटरेक्शन होता है आपको, कल मेरे पास एक लेडीज आ रही है यहाँ पर होली की, हमने कोई छुट्टी नहीं की, बच्चे आएंगे हमारे पास मंडे ट्यूजडे को भी, तो जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं नए स्टूडेंट्स, तो हम उनको ये इंटीमेट कर रहे हैं कि आप है ना साथ साथ में, अब मान लो मैं उनसे आपको मिलाऊंगा नई कैंडिडेट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्लास में, तो आप जब उनसे बात करोगी, चाहे कोई भी आप उनको क्वेश्चन पूछो कोई भी, मगर उनके बताने का अंदाज आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो नए लोगों से जो इंटरेक्शन है हमारा इन दिनों, जो बात करने का जो हमारा जो लहजा है, हम बहुत पकड़ते हैं लोगों से, बच्चा भी होता है ना छोटा बच्चा, वो भी मतलब देखकर ज्यादा सीखता है, सुनकर ज्यादा सीखता है बजाय आप उसको पढ़ाओ, यही ह्यूमन टेंडेंसी, हम लोगों से ज्यादा सीखते हैं। तो इट इज अ गुड थिंग, आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस कंटिन्यूसली, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, बोलते रहोगे साथ साथ, प्रैक्टिस में आते रहोगे, इंटरव्यू देते रहोगे, वो चीज आपको बढ़ा देगी, कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पर रेहन है, रविंदर है, अरुण है, संचिता है, आप भी कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहे तो थोड़ा सा जल्दी करें स्टूडेंट्स, हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, और उसके अंदर अंदर मैं आप चाहता हूँ आप लोगों को हेल्प करना,
तो चाहूंगा कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो नीति तो आप बिल्कुल पूछिए, आई एम रेडी टू हेल्प यू। सिद्धिका इज वन ऑफ माई फेवरेट, और जो प्रियंका है आज वो कल उसका एग्जाम है तो बता रही थी, तो शी इज क्वाइट बिजी, अदरवाइज शी वुड बी प्रेजेंट ओवर हियर ऑल्सो। नीति एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? संचिता, अरुण, रविंदर, रेहान, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, वेलकम। कोई क्वेश्चन आपका? हाँ सर जी नीति जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो फटाफट, जल्दी कीजिए प्लीज, लिमिटेड टाइम है। सर मुझे ये पूछना है कि ये टीजीटी एसएसटी के बच्चे हैं वहां पे, मेरा मैडम, केवीएस, मैंने केवीएस दिया हुआ सर तो। अच्छा मैडम हमारे पास है ना, सुनिए मेरी बात, हाँ वैसे तो देखो ये क्लास के अंदर मैं ये चाहूंगा आपको ये ना इंट्रो रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो मुझसे। देखो पता है क्यों? क्योंकि अपना मोटो ये नहीं है कि यहाँ पर मैं तुम लोगों को कहूँ कि ज्वाइन कर लो, आ जाओ यहाँ, बहुत ऐसा नहीं। देखो मेरा मोटो ये है, इस समय ना उन लोगों की भी हेल्प करूं जो बच्चे अपने को ज्वाइन ही नहीं कर सकते, वॉट एवर मे बी द ठीक है रीजन, सर। वॉट एवर। तो आपके पास एक प्रोफेशनल मुझे क्वेश्चन होना चाहिए, अगर आप क्वेश्चन अच्छा पूछोगे मैं आपको बहुत शानदार आंसर दे सकता हूँ नीति, प्रॉमिस करता हूँ। ठीक, मुझे तो सर वहीं ज्वाइन करना, मैं तो वेट कर रही हूँ कोई बात रिजल्ट नहीं मैडम, का। हम आपको ज्वाइन करवाएंगे और पक्का श्री गंगानगर बुलाएंगे। और बताइए, वैसे हमारे पास कल भी लेडीज आ रही है और नए स्टूडेंट भी आ रहे हैं, होली पे कोई हॉलीडे नहीं है, मगर यहाँ पर मैं चाहूंगा इस पर्टिकुलर लाइव के अंदर आप मुझसे कोई इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप करिए। आपका हिस्ट्री है क्या? एसएसटी सर, टीजीटी SST वो है आपका? हाँ, एसएसटी SST के डालता तो हूँ मैं, आप लोगों को डेमो वगैरह देता रहता हूँ ना, काफी डेमो देता हूँ, बीच में इंटरव्यू देता रहता हूँ, सर। कल भी मुझे दिया तो था मैंने सर आपको। यही, हाँ मुझे यही नहीं आता बताना कि स्टार्ट कैसे करें टॉपिक को। कोई बात नहीं मैडम, आप फिक्र मत करो, आप आराम से रिलैक्स हो जाओ, जब आपको लगे ना तब आप आना या करना, जो भी आप करोगे हम आपको बेस्ट से बेस्ट बना देंगे, फिक्र मत करो, ठीक है ना। ठीक है सर, और कोई ठीक है इंटरव्यू से सर। रिलेटेड कोई आप लोगों को लगे ना कोई क्वेश्चन की सर ये क्वेश्चन मुझे बहुत तंग कर रहा है, या ये कैसे करना चाहिए, या डेमो के अंदर ये बात मुझे तंग कर रही है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, आई एम रेडी टू हेल्प यू। अब यहाँ पे रविंदर यादव नाम से ये देखो ये बिल्कुल बंद करके बैठे, इन्होंने कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया, इतना शाही नेचर है, ये कैसे इंटरव्यू देंगे यार। अरुण ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, अरुण भदौरिया ने, और रेहन ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, संचिता ने सर पूछा था। रेहान, सॉरी सर, सर सर मैं थोड़ी लेट ही आया हूँ सर, अरुण अच्छा, भदौरिया बात कर रहा हूँ सर। तो रेहान और अरुण आप कोई क्वेश्चन पुट अप करो यार, ताकि मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाऊं, और तो क्या है। अरुण आपके गुड पास कोई इवनिंग क्वेश्चन है? सर। सर मैं सर सर 5 मिनट पहले ही सर मैंने ये ज्वाइन कर पाया हूँ अच्छा सर, अच्छा मैं टाइमिंग ही देख पाया था सर, आज अच्छा फर्स्ट डे है मेरा ओके, वेलकम वेलकम अरुण जी, आप सर। वेलकम हो मैं भदौरिया फिजिकल जी, एजुकेशन कोई क्वेश्चन है तो पीजी बिल्कुल से आप अटेंड पूछो। कर रहा फिजिकल हूँ। एजुकेशन है आपका, कहाँ से बिलोंग करते हो? यस सर। सर अभी मैं भिंड एमपी से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, एमपी से, हमारे पास एमपी से कैंडिडेट आया हुआ है यार, रेवा से, और आपके सर पिछले मुझे साल भी एक एमपी अभी से सर लड़का आपके आया था, बारे में, आपने वीडियो देखा होगा, उसको सिलेक्टेड है, हरियाणा का एक यस लड़का सर, था यस अमित, वो सर, भी सिलेक्टेड है, नीतू नाम की लड़की थी वो भी सिलेक्टेड है, देखा सर देखा है, देखा है सर, सर है ना। हाँ वो सारे सिलेक्टेड है, हाँ श्योर है, सर मैं उनके नाम आपको वो लिस्ट सारा भेज देख देता लिया हूँ। सर, लेकिन अभी मुझे एड्रेस नहीं पता सर, मैं भी रियल में आप वहां आकर ही ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। केवीएस में श्री शायद आ गंगानगर सकता है, राजस्थान आप अभी व्हाट्सअप कर प्रॉपर देना, लिस्ट नहीं पर आया। अभी फिलहाल इस लाइव के अंदर आप लोग है ना मुझसे ये बातें मत करो, मुझसे इंटरव्यू से रिलेटेड कोई बात कर लो, मैं हेल्प कर दूं, कोई मेरा मोटो पूरा हो यार जो काम में यहाँ आया हूँ। क्यों सर एक रेहान क्वेश्चन बताओ आप भी सर, कोई क्वेश्चन मुझे पूछो प्लीज। क्लियर करना है सर। सर रेहान गुड इवनिंग सर, रेहान सर। जी ये बताइए, अगर टीचर रेहान जी आप कैमरा ऑन करिए। हाँ अरुण आप तब तक क्वेश्चन पुट अप करो। सर सर कैमरा ऑन नहीं मुझे हो रहा है सर मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात, सर आपको टीचर कैसे सेलेक्ट करें सर, हम इसके लिए सर एक बेस्ट क्वेश्चन बताइए सर, आंसर मुझे, तो कि हम रेहान आपको ही क्यों सेलेक्ट करें सर। अरुण हम आपको ही क्यों सेलेक्ट करें, ऐसा क्वेश्चन कहते यस सर, सर ना सर। यद्यपि इस समय मैं अपने आप को उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकता जो कि मेरे तरह क्यू में खड़े, पर अपने बारे में श्योर करता हूँ सर, कॉन्फिडेंट हूँ, पंक्चुअल हूँ, डिटरमिन्ड हूँ अपने काम को लेकर, और मैं आपके कसौटी, सिलेक्शन की कसौटी पे खरा उतरूंगा, और सर मोर ओवर मेरा जो एक्सपीरियंस है सर वो डेफिनेटली मेरे एनबीएस करियर को रियली बेनिफिट देगा, और मैं रियल में एक चांस चाहता हूँ ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकूँ। इंग्लिश में चाहिए? सर मुझे, मेरा सर बैकग्राउंड ज्यादातर हिंदी में रहा है, मैंने काफी चीजें हिंदी पढ़ी हैं, तो आपको सर अगर इंग्लिश ये चाहिए तो मैं मेरे इंग्लिश लिए में वो बोल थोड़ा सकता हूँ, मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स फर्क पड़ा। नहीं पड़ेगा, मगर मेरे को ऐसा लगा जी कि सर आपको हिंदी में हिंदी लिए में थे। बताना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको हिंदी में बताया, अगर आप इंग्लिश में सर कहेंगे तो मैं मैं इंग्लिश हिंदी में से बता ही, नहीं दूंगा, मगर जो स्पीड सर मैंने रखी इंग्लिश वो मत में ही रखना बता प्लीज, क्योंकि मैं दूंगा। जल्दी बताता हूँ वो आप इंटरव्यू में मत बताना, थैंक यू ठीक है? सर, वहां थैंक थोड़ा यू स्टैंडर्ड आपका अलग होना चाहिए इंटरव्यू देने का। रेहान कोई क्वेश्चन? सर। आपसे बात करके रियलिटी में बहुत अच्छा लगा सर, बहुत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
आप आ जाओ यार हमारे पास। हमारे पास ये एमपी से बच्चे हैं, क्या नाम है, रेवा से जो कैंडिडेट है ना, एवन विकास नाम का कैंडिडेट, अल्टीमेट लड़का है, कंप्यूटर लिटरेट है, सच में मजा आ गया, कभी लाऊंगा उसको डेफिनेटली आपके सर, सामने, जरूर सर, अल्टीमेट बच्चा। कराना है मुझे आप। बिल्कुल रेहान, सर कोई गुड इवनिंग। क्वेश्चन? यस सर, सर मेरे से पिछली बार एक सिचुएशन पूछी थी सर, आप उसका आंसर बता दो। जी पूछ लो, पक्का बता दूंगा, प्रॉमिस। सर मेरे से ये पूछा था कि अगर कोई स्कूल बस जा रही है, संकरी सड़क है सर, मतलब संकरा रास्ता है, तो उसपे से आप, वो जो ड्राइवर है उसने ड्रिंक किया हुआ है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पर? आप उस बस के अंदर हो या बाहर हो या क्या कर रहे हो आप? बस के अंदर ही है सर, मैं बस मतलब के आप अंदर ही हूँ टीचर सर। हो और वो ड्राइवर है आपकी बस का, आपकी स्कूल की बस का, हाँ सर, स्कूल की बस का, और उसने और ड्रिंक की आप हुई है उस सर। स्कूल में टीचर हो, हाँ सर, उस स्कूल में टीचर हूँ सर। तो फर्ज है आप बिल्कुल उसको ड्राइव नहीं करने दोगे अगर आप, अगर वो नहीं नहीं सर, रुक। वो मतलब कि मेरे से पूछा कि अगर मैंने बोला था, तो बोला कि अगर आप रास्ते में हो तो आपको रास्ते में डजंट पता मैटर, चलता रास्ते है। में तो कौन सा कोई सुनसान रास्ता है दुनिया में, आपका फर्ज बनता है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप 1 सेकंड के अंदर उसको रियलाइज करवाएंगे कि आप प्लीज इस बस को यही रोक दीजिए। अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो आपके पास 1000 ऑप्शन होते हैं, 100 नंबर डायल तक तक का ऑप्शन होता है आपके पास। इसके अलावा आपके मोबाइल में प्रिंसिपल का भी नंबर होता है और सीनियर्स का भी नंबर होता है। आप टेक्नोलॉजी का यही तो बेनिफिट है आज के टाइम में, आप चिल्लाने थोड़े ना लग जाओगे बस के अंदर कि रोको रुकवाओ रुकवाओ, आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और अगर मोबाइल नहीं है तो किसी और का लेंगे। आप डायल करेंगे इमीडिएटली, अपने सीनियर्स को इंटीमेट करेंगे, क्योंकि पहला फर्ज आपको सीनियर्स को इंटीमेट करना है ना कि पुलिस को, है क्योंकि आपके स्कूल की बस है, आपके स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। हाँ अगर आपके प्रिंसिपल का रेस्पॉन्स आता है तो वेल एंड गुड है, अगर उनको नहीं मिल रहा है, फोन नहीं मिल रहा है, और अब आप क्या कर सकते हैं, मान लो वो आपको और कॉम्प्लिकेटेड कर दे सिचुएशन में, तो ऑब्वियस है यू विल टेक द हेल्प ऑफ पुलिस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर बच्चों की कार्ड चलाएगा तो ऑब्वियस है देयर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, और बीइंग अ टीचर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव योर किड्स, आपके भी तो बच्चे ही हैं। एनवीएस का मतलब क्या है, यस आप मदर और फादर दोनों हो वहां पर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि उनके माँ बाप की, तो आप बोलना कि सर अगर मैं एनवीएस में हूं तो मैं ही उनकी मदर और मैं ही उनके फादर हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, इस समय वो मेरे बच्चे हैं, तो जिस तरीके से मैं अपने बच्चों के लिए सेवियर रहूंगी बिल्कुल उन्हीं तरीके की रहूंगी, और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर सबसे पहले मैं सीनियर्स को इसका अवगत करवाऊंगी, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा सर सीनियर्स को अवगत करवाने के लिए, इवन मैं ड्राइवर को भी प्रेशराइज करूंगी कि अपनी बस को रोके और यहीं पर ही स्टॉप करे, अगर वो नहीं रुकता तो ऑब्वियस आई टेक द हेल्प ऑफ पुलिस एंड अदर थिंग्स, अगर मेरा कनेक्शन नहीं हो पाता है मेरे सीनियर्स के साथ, मगर पहला फर्ज यही बनता है कि यू शुड इंटीमेट योर सीनियर्स, कोई दिक्कत नहीं। हंसते जी हंसते बता सर, देना कॉन्फिडेंस के साथ, वो कहेगा वाह रेहन जी क्या पर्सनैलिटी है, गजब, खुश हो जाएगा, मत चिंता करो, ओके सर, थैंक यू सर। चिंता मत करो। और कोई रेहन, कोई डेमो डेमो कोई प्रॉब्लम कुछ है, कोई लगे कुछ है किसी में तो बता दो, बस एवन बनाए थे आपको अभी फोन, यही डेमो में मेरे को हेजिटेशन होती है बस, और तो कोई पिछली बार प्रॉब्लम आपने नहीं है इंट्रो सर। कौन सा दिया था, सर मैंने केवीएस टीजीटी का दिया था सर, सिलेक्ट रह गया था नहीं हुई सर सिलेक्ट। क्या मैडम, आपको हमारे बारे में पता नहीं था, आ जाती थोड़ा सा कुछ सीख लेती, सिद्धिका को देखो ऑनलाइन कर रही है, आ जाना चाहिए ना, जब लग रहा है इतने स्टैंडर्ड इंट्रो, एक एक साल तुम लोग तैयारी करते हो और और 5-7 दिन के लिए आलस कर जाते हो। अब भी लग रहा है सर हो जाएगा, लेकिन मैं जो ही नहीं कर सकती सर, बच्चा छोटा है। ओके ऑनलाइन कर लेना, कोई बात नहीं रही है, नो प्रॉब्लम है, है सर, ना कुछ तो होना चाहिए डेमो ना, मतलब। टीचिंग सर टॉपिक कैसे रखें सर अपना? हाँ यार अरुण आप डेमो है ना, वैसे तो देखो वो आपको डेमो दे सकते हैं, आपका गेम क्या है, सर वैसे बास्केटबॉल और एथलेटिक्स में से बास्केटबॉल है ना, तो देखो एक तो बास्केटबॉल का कॉर्ट वगैरह वो ढंग से कर लेना, उस पर डेमो दे सकता है, मगर कोई जरूरी नहीं है, वो आपको फिजिकल अच्छा एजुकेशन टॉपिक पे भी दे सकता है कि आपको बच्चों को फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ाना है, जाइए पढ़ाइए, तो आपको वो भी पढ़ाना आना चाहिए, सर, ओलंपिक और हिस्ट्री वैसे टॉपिक रखूं सर क्या नहीं रखूं सर उसमें, रख अगर सकते हो, अच्छा डेमो इंटरेस्टिंग सुनूं टॉपिक सर? अगर आपका फेवर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। आपका गेम एक तो बास्केटबॉल है, और क्या खेलते हो आप? सर एथलेटिक्स में सर गेम तो काफी खेलता हूँ सर, थ्रो बॉल, नेट बॉल, हैंडबॉल सर, ये नहीं पर्टिकुलर इसमें कोई क्रिकेट विनिंग टीम करी तक हुई हो, में कोई स्टेट तक नेशनल तक गए हुए हो कभी कुछ? सर, एथलेटिक्स में भी गया हूँ सर, और बास्केटबॉल से रिलेटेड सर, एक नेटबॉल में ऑल इंडिया है सर, बास्केटबॉल में इसमें आपको एथलेटिक्स में भी ज्यादातर है क्या होता है, चांसेस वही रहते हैं कि इवन ना देखो पीटी पीरियड भी करवा सकता है अगला, कुछ भी करवाए, मगर चांसेस ये रहते हैं जी। कि वो आपको डेमो इन टॉपिक्स पे जरूर देता है, इन टॉपिक्स से जरूर पूछता है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इनके बेनिफिट्स क्या है, मेन पता है क्या होता है अरुण, बताने का तरीका होता है, हाँ आंसर कॉमन होते हैं, यस सर, तुम्हारी बात सही है, तुमने क्वेश्चन पूछा ना सर मैं आपको क्यों लूं, भाई आज तुम खुद इंटरव्यू लो किसी का, तुम मुझसे यही बोलोगे यार अपने बारे में कुछ बता दो, मैं आपको क्यों लूं, एनवीएस में क्यों आना चाहते हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर क्यों बने,
एक आम आदमी आम टीचर क्या पूछेगा यार, यही क्वेश्चन मेन क्या होता है, आपके बताने का अंदाज अच्छा होना चाहिए बस, वो अच्छा है ना अगला ले लेता है, कहता ठीक है यार ये पढ़ाएगा भी बढ़िया, जब बता अच्छा रहा है, इसका स्टाइल अच्छा आ रहा है और ये खड़े होकर डेमो अच्छे अंदाज में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं ले लेते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए बस, वो अगर स्ट्रांग है ना अरुण तो फिर दिक्कत नहीं आती, उसको स्ट्रांग बनाओ, मतलब बताने के तरीके में इतनी स्पीड, इतनी फ्लुएंसी, इतनी टोन, इतना अपना मैनरिज्म दिखाओ कि अगला इंप्रेस हो जाए, बोले यार वाह यार ये बोलने में बड़ा सही परफेक्ट है यार, ऐसा बनना है तो वो खुद अपने आप आपको ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अभी आप पे इंटरव्यू के लिए आता हूँ सर, फिर इसके लिए स्पोकन के लिए भी आऊंगा सर मैं, अरे हम किसी सेवेंटी में सब डेज कुछ करवा बाद। देंगे, दो बार बुलाएंगे क्या बच्चे को यार, कमी थोड़ी ना है, यहाँ तुम आना तुम्हें पता लगेगा, हम शौक के लिए पढ़ाते हैं, ध्यान रखना 1.5 मिलियन जी सब्सक्राइबर्स सर है, सारी जिंदगी ऐश कर सकते हैं, ये पढ़ाना है ना शौक सही है, और तुम्हें पता नहीं है इसी ये शौक है ना, सही इसीलिए मैं अच्छे पढ़ाता हूँ, क्योंकि शौक बहुत अच्छा है, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना या पढ़ के जा रहे हैं, यकीन मानना एक एक बच्चा कह रहा है सर इंडिया में पूरे भारत के अंदर गजब पर्सनालिटी अल्टीमेट पढ़ाते हो सर, सच में आप मजा आता है उन लोगों को पढ़ के, सच कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, तो शौक है सर ना, कब से आप भी अपना शौक बरकरार रखना, जैसे आप फिजिकल लगभग एजुकेशन के हो तो आपका जो अंदाज है ना स्टाइल वो बनाना वहां पर, तो वो आपको ले लेगा, मतलब एक आपको यूनिक बनना है वहां पर, लगना चाहिए, अब ये देखो ये रेहान को देखो यार, 2019 में इंटरव्यू दिया था ना, नहीं सर, मैंने 18 वाला दिया था सर। देखो यार 4 साल का गैप हो गया, कोई पता इनको थोड़ी ना पता था कोरोना आ जाएगा, ये दिक्कत आ जाएगी, और 4 साल वेट नहीं सर करना, आदमी डिप्रेशन में आया था, मेरे पास स्टूडेंट है एक, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे पास अब आया है यहाँ पर, कहता पहले मैंने पता नहीं कब दिया था इंटरव्यू, कहता मैं डिप्रेशन में आ गया सर, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी मेरा नहीं होएगा, मेरे रिटर्न में इतने शानदार से आप सोच ही नहीं सकते सर, इतने अच्छे मतलब 152 पता नहीं 62 कितने नंबर बता रहा था वो, कहता सर इतने शानदार थे मुझे लगा मैं जाऊंगा ना तो भी ले लेगा, मेरा नहीं हुआ ना, मैं डिप्रेशन में आ गया 1 साल, तो मैं डिप्रेशन में रहा था, मैंने कहा यार मेरा नहीं हुआ, फिर बाद में रियलाइज हुआ कि सही में यार मतलब इंटरव्यूअर हर एंगल से चेक करता है पर्सनैलिटी वाइज, तो मैं तुम लोगों को यही कहता हूँ अगर उसको लेना है ना फिर तुम्हारे नंबर कम है ज्यादा है तुम्हें नहीं आता उस बातों का कोई फर्क ही नहीं होता, उसे सोच लेना इस आदमी को लेना है। हाँ जी रेहन, सर मेरा इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था, लेकिन सर मैंने सिचुएशन, दो सिचुएशन पूछी थी मेरे से, और एक हरियाणा करंट का पूछा था, ये नहीं बता पाई सर मैं, मतलब खुश हरियाणा, मैं होके आई आपको थी। एक रेहन मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या होता है, जैसे ना इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, यस सर तो उस समय 5-10 मिनट में कर देना बात, तो उस समय क्या होता है इंटरव्यूअर ना 1-2 मिनट के बाद क्या वो अपनी जजमेंट फाइनल कर लेता है कि यार इस कैंडिडेट को लेना है कि नहीं लेना, उसके अंदर अंदर सर अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी वाइज दिखा दी ना फिर रेहन 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आते ना तो भी वो आपको कॉपरेट करेगा, इसका कारण क्या होता है इंटरव्यूअर के ऊपर भी बर्डन होती है रेहन बहुत, कैसे बताता हूँ आपको, अभी देखो यस सर आप लोग एनबीएस का दे रहे हो सकता है आगे यस जाकर आप केवीएस भी दो, आपका एनबीएस में हो जाए केवीएस में भी हो जाए तो आप केवीएस ज्वाइन करोगे, एग्री करते हो रेहन, और अगर आपका स्टेट में हो जाए तो आप केवीएस भी छोड़ दोगे, ये बातें उनको पता होती है, वो वेल ट्रेंड लोग हैं, उनको पता है कि हमारे पास कौन टिकने वाला है और कौन नहीं, वो आपकी आंखों में जज कर लेगा ये चीजें, तो सर ये एक क्वेश्चन वो ओवर मेरे से एक नहीं है, मतलब जो ओवर इंटेलिजेंट है ना उसको भी लेकर वो खुश नहीं है, कारण क्या है वो टिकने वाला नहीं है, एनबीएस के जो टीम है वो इस बात से डरती भी है, आपको पता है मेरी कई लेडीज और कैंडिडेट से क्या बोला उन्होंने, सुनो कहते मैडम अगर हम आपको ले लें आप रह तो लोगे ना एनबीएस में, आप काम तो कर लोगे ना, उनको भी डर लगता है क्योंकि उनके भी सीनियर्स है हाँ ऊपर, सर मेरे साथ वो भी कहते ऐसा हैं ही है। क्या सिलेक्ट किया है तुम लोगों ने यार, 10 लोग लिए 10 के 10 में छोड़ दिया उन्होंने एनबीएस, तुम लोगों को लोगों को ही परखने की पता ही नहीं है तुम्हें, तो और आप ये सर ये भी पूछते हैं कि आपने, आपका कोई और टेस्ट हो रखा है, कौन सा टेस्ट हो रखा है, तो हाँ सर तो उस टाइम पे अगला मेरा हो रखा अगला 10 एंगल से आपको चेक करेगा रेहन, मैं आप समझे मेरी बात का, तो आपके पास अगर तो सर मेरा, प्रोफेशनलिज्म आंसर्स है, अब मैं आपको फिक्स ये नहीं कहूंगा कि आप इसमें झूठ बोलो या सच बोलो, आपकी पूरी लाइफ को देखकर ये आंसर बनता है रेहन, ऐसे एकदम से इमेच्योर आंसर मैं आपको देके खराब नहीं करना चाहता, संचिता तुम्हारा कोई क्वेश्चन, सर यस सर सर मुझसे वहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में, मतलब अरुणाचल प्रदेश के तेवांग में भेज देंगे तो क्या आप जाएंगे, तो सर मैं अभी कुछ मैं श्योर अरुण को नहीं कर यही पाई समझा कि रहा था हाँ मैं और मतलब रेहन को एबल यही हो समझा जा रहा था और सकती उससे हूँ, पहले उसका सिद्धिका से कैसे यही बात आंसर कर रहा था। करूँ। हाँ मैं समझ गया क्वेश्चन, क्या होता है अभी मैं शायद एक बच्चे के साथ यही बात कर रहा था कि आपको जो इंटरव्यूअर देखता है ना वो ये देखता है कि यार ये आप कहाँ से बिलोंग करती हो संचिता, वाराणसी सर मैं वाराणसी से यूपी, हो, और रेहन आप
अभी तो हरियाणा में हूँ, 3-4 दिन के बाद जोधपुर आऊंगी सर। ठीक है, तो आप हमारे स्टेट में आ जाओगी। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, आप हरियाणा में है और ये वाराणसी में है, हिंदी स्पीकिंग है ये वाले एरिया है अपने, मगर आप थोड़ा सा साउदर्न की तरफ जाओ, लोग हिंदी जानते ही नहीं है, पीपल डोंट नो यस हाउ सर। टू स्पीक इन हिंदी। सो वो आपको ये देखेगा, यार अगर हमने संचिता को ले लिया तो क्या संचिता को इंडिया के किसी भी कॉर्नर में भेज दिया जाए तो सर्वाइव कर लेगी क्या ये लड़की? तो इवन आपको ये भी बोला जाएगा कि मैडम कल संचिता आप अनमेरिड हो ना, कल आपकी मैरिज हो जाती है, आपके आपके इन-लॉज अलाउ ना करे आपको जॉब के लिए तो आप क्या करोगे? यानी कि वो हर एंगल से आपसे बात करने की कोशिश करेगा। एनबीएस में उनको यही रहता है, और आपको एक बात बोलूं, अभी एनबीएस का जो रिजल्ट आएगा ना देखना, कितनी वेटिंग में भी लोगों का बहुत सिलेक्शन होगा, कारण केवीएस भी साथ में है, तो आपके कॉम्पिटिटर वैसे ही कम हो रहे अगर आपने एनबीएस दिया है तो। अदरवाइज लोग केवीएस ज्यादा प्रेफर करते हैं, शायद ये बातें आपको भी पता होगी छोटी छोटी, कि पता नहीं क्यों लोगों को यस लगता है केवीएस का। अच्छा केवीएस के अंदर अगर हो जाए और स्टेट में हो जाए तो बंदा हमेशा स्टेट की सोचेगा कि यार चल अपने अपने को स्टेट मिल रहा है, अपने को अपने स्टेट की जॉब ले लेते हैं। और ये बातें मतलब अपने को ही नहीं पता होती, इंटरव्यूअर भी वेल ट्रेंड है तो वो आपको इन एंगल से जरूर पूछता है। संचिता से अगर क्वेश्चन पूछा है तो संचिता का आंसर क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ। संचिता को कहना चाहिए, सर फॉर मी कश्मीर टू कन्याकुमारी सेम, आई डोंट हैव होम सिकनेस एंड सर आई एम रेडी टू गो एनी वेयर एज आई एम वेरी कंफर्टेबल विद बोथ द लैंग्वेजेस एंड माई बाइलिंगुअलिटी इज गुड सर, आई कैन इवन स्पीक इन इंग्लिश वेल एंड नो प्रॉब्लम इन स्पीकिंग हिंदी इटसेल्फ सर, सो आई बिलीव सर दिस माई वर्सेटाइल नेचर एंड आई एम आई डोंट हैव होम सिकनेस, आई डोंट हैव नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स एट ऑल, आई कैन इजीली मैनेज माई सेल्फ एट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया सर, और आई लव सर एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर मीटिंग न्यू पीपल सर, मुझे पसंद है ये चीज। तो वो आपको कहेगा अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है संचिता, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको ले लेगा। मगर यही अगर आप बोलते हैं हाँ जी सर रह लूंगी सर, हाँ जी सर कर लूंगी सर, कैसे आपने एक बार भी नहीं बोला तो वो मोटिवेट कैसे होगा आपसे? तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कैसे, हाउ। अगर आपने उसे हाउ बता दिया ना तो वो इम्प्रेस हुआ वही है, वो भी तो इंसान है यार अपनी तरह है, वो भी तो संचिता जैसा ही है या फिर अरुण जैसा अपनी तरह ही तो बंदा है, उसको ही तो इम्प्रेस करना है, कौन सा कोई कंप्यूटर को इम्प्रेस करना है अपने, इमोशनली भी इम्प्रेस कर सकते हैं अपने। थोड़ा सा पंचलाइन दे देना अरुण, जो तुमने क्वेश्चन पूछा था ना, मैं आपको ही क्यों लू, कह देना सर मुझे वास्तव में सर एक मौका चाहिए सर, ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ शो कर सकूं सर, आई रियली नीड वन चांस टू शो माय स्ट्रेंथ, तो उसके हार्ट को टचिंग लाइन हो जाएगी, यार बंदे को चाहिए यार एक मौका, तो वो आपको लेगा ही लेगा यार, श्योर है। वैसे थोड़ा इंप्रेस करना सीखो लोगों को, वो हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपका जो बोलने का तरीका है, जो एक्सेंट है उसको अच्छा बनाओ, और जो इंग्लिश को तो ऐसा कंफर्टेबल जोन में रखो कि उसको लगने ही मत दो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो पहले दिन इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, अभी मेरे पास हस्बैंड वाइफ कपल आया, सोमवीर और वो क्या नाम है मोनिका, हस्बैंड वाइफ केमिस्ट्री और फिजिक्स, हस्बैंड ये रियलाइज करते हैं कि हाँ यार सही में इंग्लिश कम है, मगर अब आप ले लो उनका इंटरव्यू A1, तो आपको इंटू लेवल की तो इंग्लिश करनी है, आपको कोई ओवरऑल दुनिया थोड़ी ना सीखनी है, डेमो ही तो सीखना है, क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं बड़ी बात होती, मोटिवेशन के साथ सब कुछ पॉसिबल होता है। और कोई क्वेश्चन आपको लगता है स्टूडेंट्स को लगता है डेमो से रिलेटेड, या फिर आपको लगता है सर ये ऐसा हो तो क्या होना चाहिए? संचिता, राजू, रविंदर, ये रविंदर जी तो बिल्कुल बंद करके बैठे हैं, अब ये बॉय है कि गर्ल है मुझे आइडिया नहीं है, मगर उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये गलत होता है। पता है क्या होता है रेहान, अगर आप बात ही नहीं करोगे, अब अरुण आया, अरुण ने बात करी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है यार, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिद्धि का तो क्या, मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस लेती है तो ये तो यूज टू है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस भी रोज लेती है तो ये यूज टू है, मगर आप लोग बात करनी सीखो, बोला करो, क्वेश्चंस पुट अप किया करो, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ जी राजू जी, आपका मुझे नेटवर्क में कमी लग रही है कुछ, है ना? और कोई क्वेश्चन आपको लगता है स्टूडेंट्स की सर ये? हाँ जी अरुण पूछो सर। सर इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, आपके अचीवमेंट बताइए सर, तो इसमें क्या अचीवमेंट्स आप नोट करके ले आना, अचीवमेंट्स आपके पास नोट होनी चाहिए और वो प्रैक्टिस में होनी चाहिए, मगर अगर आपके पास अचीवमेंट्स नोटेड नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसको बार बार फ्लरिश नहीं कर पाओगे। तो मेरी राय रहेगी कि आप इंटरव्यू के से पहले पहले अपनी अचीवमेंट्स नोट रखोगे। राजू कुमार कोई क्वेश्चन पूछ लो बेटा, फायदा ले लो, तुम्हारे लिए आया हूँ यार मैं, क्या करते हो तुम लोग यार, तुम्हारे लिए तो आता हूँ मैं, पर मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैंने बस थोड़ा सा तुम लोगों को लिंक भेज दिया, जितने आगे ज्वाइन हो गए ठीक है, तो क्वेश्चन वोश्चन पूछ लिया करो। तो अरुण ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी अचीवमेंट्स एक पेज पर लिख लोगे, उनको बार बार रिवाइज करोगे, और वो आपको पूछे ना पूछे आपको इंटरव्यू में बतानी ही चाहिए,
क्योंकि बच्चा भी जब तक रोता नहीं ना तब तक मदर उसको मिल्क नहीं पिलाती। तो तुम जब तक क्राई नहीं करोगे ना सर मेरे अंदर यही अचीवमेंट्स है या मेरे अंदर यही बातें हैं, तब तक उसको रियलाइज नहीं होगा कि तुम कैपेबल हो। तो आपकी कैपेबिलिटी आपको शो करनी आनी चाहिए, यही वे होना चाहिए। तो इंटरव्यू सर मेरा क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी में कैसे डेमो देंगे? यार लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन से रिलेटेड आपकी एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होंगे। लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या आपको चीजें रखनी है वो सारा क्वेश्चंस होते हैं आपके, पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं आपके, होते हैं यार आपके क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं राजू, श्योर है। केवीएस लाइब्रेरियन का इंटरव्यू भी होता है, एनवीएस का नहीं होता। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक, मेरे वीडियोस देखना, कई स्टूडेंट है मेरे सिलेक्टेड। हाँ रेहन बोलो। सर डेमो के लिए हमें, जैसे मेरा सब्जेक्ट पीजीटी ज्योग्राफी है सर, तो मेरे को ज्योग्राफी ज्योग्राफी के करके लेके जाने पड़ेंगे डेमो के लिए, या मतलब कि हर सब्जेक्ट से सर? केवीएस टीजीटी सर। वैसे तो देखो अगर आपका पीजीटी के लिए जा रहे हो आप, नो सर मैं टीजीटी के लिए जाऊंगा, पीजीटी लेवल के लिए जा रहे हो ना, तो आप तीनों सब्जेक्ट्स के करके जाओ, मगर फोर सब्जेक्ट। हाँ क्योंकि वो आपको पीजीटी लेवल पे नहीं देखेगा, क्योंकि आपने जो अपनी मार्कशीट आपने जो दिखाई है वो अपनी मैक्सिमम मतलब जो उन्होंने डिमांड करी है वो आप भी जानते हो क्या डिमांड करी, तो वो तो आपने कर रखी है पीसीटी लेवल की, तो वो अच्छी बात है, वो उस रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, मगर उसके लिए आप टीसीटी मतलब टीसीटी हो, तो वो आपको उस हिसाब से हैंडल करेगा। तो इंटरव्यू में भी वो आपसे ये नहीं है कि ज्योग्राफी के ही क्वेश्चंस पूछेगा, आपको एसएसटी एज वो एज्यूम करके चलेगा, क्योंकि अगर आप पीसीटी के होते तो ठीक है आपका, मगर आप बता रहे हैं कि आपको टीसीटी केवीएस के लिए जाए, तो ऑब्वियस है दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन SST रहेंगे, तो उसमें आप देख लो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने जो जो किए हुए हो, चाहे उसमें हिस्ट्री भी आती है तो हिस्ट्री भी करनी है थोड़ी सी ऐसे। ओके सर, एक क्वेश्चन ये कि सर अगर एक्सपीरियंस के बारे में पूछे तो क्या आप बताएंगे? अगर देखो संचिता आपका एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको अंदर डिप्लोमेसी होनी चाहिए कि तो भी आपका एक्सपीरियंस है, अभी एक्सपीरियंस कैसे शो करना है क्या करना है ये डिप्लोमेसी होती है, तो इसको एक वर्ड के अंदर मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मगर कोशिश करनी चाहिए आपको कि आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपना शो करते तो आपको बेनिफिट इस बात का एडिशनल मिलता है। मैं 100% हर बच्चे को ये नहीं कहूंगा कि जाकर झूठ बोलाना कि मेरे को एक्सपीरियंस है, मगर अगर आपके अंदर डिप्लोमेसी वे है, अगर आपके अंदर गट्स है, क्योंकि देखो अगर आप सच बोलते हो ना तो आपको दुनिया में कुछ याद नहीं रखना पड़ता, मगर अगर आप 1% भी झूठ बोलते हो ना तो आपको याद ज्यादा रखना पड़ता है। तो अगर आपको डिप्लोमेटिक गेम खेलना है इंटरव्यू में और विन करना है तो कुछ बातों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा, एक लुक देना पड़ेगा उसे, और वो दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिस से हो जाता है, मगर ये है कि थोड़ा सा देने से बेनिफिट ये मिलता है संचिता कि हम जो रिमेनिंग 100 लोग है, रिमेनिंग 50 लोग है ना, उस बीट से थोड़े से अलग दिखने लग जाते हैं, तो हमें इस बात का बेनिफिट जरूर मिलता है संचिता, ये श्योर होता है। और इंटरव्यू में फियर अप करने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू में जरूरत होती है आपकी प्रैक्टिस की, अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखो, मॉक सेशंस अच्छे रखो। अब सिद्धिकार ने ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए यहाँ पुट अप नहीं किया क्योंकि मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट है, रोज डेली ऑनलाइन क्लासेस करती है वो, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस है, तो मुझे पता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मगर जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं हम उनको हमेशा कहते हैं अर्ली ज्वाइन करो, उसका आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप डेली हमारे साथ आओगे, डेली क्लास करोगे। मैंने आज एक एग्जाम्पल भी दिखाया था आपको, मेरी आज की क्लास देखना आप, एक स्टूडेंट है जिसने 17 जनवरी में मेरे को ज्वाइन किया था और आज भी मेरे साथ है, तो लोगों को लगता है 7 दिन, 7 दिन नहीं है, प्रैक्टिस सेशंस चलता रहता है, वही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और हो जाता है, ऐसा नहीं है, हर बच्चा डेवलप होता है, सिर्फ अपने अंदर बस ये एज्यूम करके चलना है दैट अरुण विल गेट सक्सेस, संचिता विल गेट सक्सेस, रेहन विल। अब रविंदर यादव अगर क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो अपने इनको क्या बताएंगे, अगर इतना शर्मिला व्यक्ति यहाँ बैठकर कुछ भी नहीं पूछ रहा, इवन राजू ने कोशिश की थी कि